Jain students, how are you all? I hope you are good and safe at your home. Students, as you all know, your first term syllabus, your first term exams has been over, and now we are heading towards our half yearly term syllabus. In your half yearly, the chapter that is coming is chapter 4, Hello Logo Turtle. Now, इस chapter को start करते हैं क्या इस chapter में? इस chapter में हम जानेंगे कि MSW logo को कैसे start करते हैं, उसके क्या components हैं MSW logo के और कैसे उसको exit करते हैं. स्टार्ट करते हैं व्हाट इज MSW लोगो. MSW लोगो इज एंट्री पॉइंट टू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. MSW लोगो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना होता है तो सबसे पहले हमें MSW लोगो सीखना होता है कंप्यूटर कोडिंग सीखने के लिए. इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा टर्टल होता है, लिटिल टर्टल, ट्राइंगल शेप का होता है, वो मूव करता है और शेप्स को ड्रॉ करता है. जैसे हम उसको कमांड देते हैं, हम उसको टर्टल को कमांड देते हैं और वो आगे बढ़ता है और शेप्स को ड्रॉ करता रहता है. इंट्रोडक्शन देखते हैं. MSW logo is a software that uses the programming language named logo to draw shapes on the computer. MSW logo एक software है जो programming language use करता है logo. Logo एक programming language है जिसे use करते हैं हम computer पे shapes draw करने के लिए. ठीक है, MSW logo क्या है, एक graphics and logic oriented language है. ये क्या है, logic, graphics and logic oriented language है logo. This language is a command language with graphical user interface. ये लैंग्वेज क्या है, कमांड लैंग्वेज, इसमें हम कमांड देते हैं और इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब इसमें आइकन्स और क्लिकिंग से हम काम करते हैं, माउस का यूज करते हैं ग्राफिकल इंटरफेस में. इस लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था 1967 में बाय फोर साइंटिस्ट, सैमुअल पेपर्ट, डैनियल जी बॉब्रो, वैली फ्यूरिगस एंड सिंथिया सोलोमन. ये चार साइंटिस्ट ने इस लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था. इमेज ये यहाँ पे दिख रही है, जो ये मैन है, ये सैमुअल पेपर्ट है, वन ऑफ द फोर साइंटिस्ट जिसने लोगो लैंग्वेज डिजाइन करी थी. अब देखते हैं कि MSW लोगो को हम कैसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो फोल्डर में जाएंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो. इसको देखते हैं कैसे चलाएंगे. स्टार्ट बटन पे गए, ऑल एप्स में गए, फिर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो ये बना हुआ है. ये जो है विंडोज सिस्टम पे विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 का इंटरफेस ऐसा ही होता है. तो इस पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो पे और ये हमारा यहाँ पे ओपन होके आ गया है. ठीक है, फिर इसके बारे में देखते हैं. MSW लोगो विंडो के दो पार्ट हैं. ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मेन स्क्रीन बोलते हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कमांडर विंडो बोलते हैं, जिसमें हम कमांड्स देते हैं और ये कमांड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं. जैसे एक कमांड होती है, इसमें फॉरवर्ड कमांड, फॉरवर्ड 60 एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारा आगे मूव कर गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो छोटा सा ये दिख रहा है ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं टर्टल. ट्रायंगल शेप का ये हमारी कमांड को लेता है और फिर लाइन ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ता है. इसकी MSW लोगो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हो रही है. टर्टल के दो पार्ट होते हैं, जो पॉइंटेड टॉप होता है, ये जो पॉइंटेड वाला ऊपर से जो तीखा सा ये है पैना सा, इसको बोलते हैं हेड, और जो इसका बॉटम है इसको टेल बोलते हैं. टर्टल जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसको पेन ऑफ द लोगो भी बोलते हैं. याद करने वाली बात है कि पेन ऑफ द लोगो भी इसको बोलते हैं. ये हमारी कमांड्स को फॉलो करता है और हमारे लिए ड्रॉ करता है. इसमें जो है हमारा, जैसे आप लोग टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और टास्क को कंप्लीट करते हैं, सिमिलरली उसी तरह टर्टल जो है कमांड्स को ओबे करता है इन द फॉर्म ऑफ MSW लोगो कमांड. ये MSW लोगो कमांड को फॉलो करता है, जिसमें हमारा फॉरवर्ड कमांड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये इसकी कमांड्स होती है. इन कमांड्स को क्या बोलते हैं, हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं. ये जो बेसिक कमांड है इनको प्रिमिटिव्स बोलते हैं. द MSW टर्टल इज गिविंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग दिस प्रिमिटिव्स. और जो MSW लोगो टर्टल है इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है इन प्रिमिटिव्स कमांड को यूज करते हैं. और जो रिजल्ट जो है हमें क्या दिखता है, टर्टल का मूवमेंट दिखता है मेन स्क्रीन पे एज अ रिजल्ट. ठीक है, इस तरीके से हमारा टर्टल मूव करता है. क्या कंपोनेंट्स है इसमें, सबसे ऊपर जो होता है हमारा टाइटल बार होता है. टाइटल बार जो होता है हमारा बताता है, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार टॉप ऑफ दी, और ये टाइटल बताता है हमारी फाइल का. इसमें हमारे तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज. मिनिमाइज से हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, मैक्सिमाइज से बड़ा कर देते हैं, और क्लोज बटन से इसको हम
क्लोज कर देते हैं। फिर हम देखते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार इज पोजीशन राइट बिलो द टाइटल बार। ये जो मेन्यू बार है हमारे, जिसमें फाइल, बिट मैप, जूम, ये क्या है हमारा मेन्यू बार है। मेन्यू बार हमारे टाइटल बार के ठीक नीचे है और इसमें हमारे 5 मेन्यूज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा मेन्यू बार है। अ मेन्यू क्या होता है? अ मेन्यू इज ए लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डू डिफरेंट टास्क। मेन्यू क्या है? लिस्ट ऑफ कमांड्स होती है इसमें, जो डिफरेंट टास्क करने के लिए परफॉर्म करते हैं। फिर इसमें आता है हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया हमारा वो जगह होती है जहाँ पे टर्टल अपनी ड्राइंग बनाता है, जहाँ पे हमारा टर्टल दिखता है। इट मूव्स द नंबर ऑफ स्टेप एंड इन द डायरेक्शन एज इंस्ट्रक्टेड बाय यू। इट इज द प्लेग्राउंड फॉर द टर्टल। ये क्या है हमारा ड्राइंग एरिया? वो एरिया है जिसमें टर्टल दिखता है और वो हमारे कमांड्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट करता है। फिर हमारे स्क्रॉल बार होते हैं। दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार ये वह है जिससे पेज अप एंड डाउन मूव करता है। देखो ये टर्टल पेज हमारी मेन स्क्रीन अप एंड डाउन हो रही है, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से पेज लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। इस तरीके से इसको राइट ले जाएंगे तो लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट ले जाएंगे तो राइट में ले जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो ये हमारी दो तरह की इसमें स्क्रॉल बार होती है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये सबसे नीचे है और लेफ्ट एंड राइट के लिए मूव करते हैं, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार ये राइट साइड में है, इसको हम पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट वन था इस वीडियो का। इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसके आगे के टॉपिक हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।